आज पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के महामंत्री पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पावन सानिधि में पतंजलि योग पीठ के विभिन्न संस्थानों पतंजलि योग पीठ फेज वन, दिव्य योग मंदिर, दिव्य फार्मेसी व पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में 71वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास व उत्साह से मनाया गया। इस राष्ट्रीय पर्व में वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय व आयुर्वेद महाविद्यालय आचार्य कुलम के छात्र छात्राएं व सन्यासी गण के साथ साथ पतंजलि योग पीठ के कर्मयोगी भाई बहनों व अधिकारी गणों की उपस्थिति रही। पतंजलि संस्थान में आयोजित इस 71वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया व आसपास के क्षेत्रों से विभिन्न धर्मों व संप्रदाय के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लेकर संपूर्ण भारत के लोगों को सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। इस अवसर पर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रेरणादायी उद्बोधन से कृतार्थ किया। आइए देखते हैं पतंजलि संस्थान में आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अंश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम्। वंदे मातरम्। गणतंत्र दिवस संपूर्ण देशवासियों के लिए एक गर्व गौरव का दिन है, तो इस दिव्य अवसर को, इस दिव्य क्षण को पाने के लिए हम सब जानते हैं कि बहुत सारे हमारे लाखों लाखों शहीदों ने शहादत दे करके अपनी जवानी कुर्बान करके इस देश को स्वतंत्र करवाया। करवाने के बाद में गणतंत्र के रूप में एक संवैधानिक ढांचा के अंदर हम बंधे, तो इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए जिम्मेदारी और कर्तव्य इस रूप में भी और बढ़ जाता है, क्योंकि यह पतंजलि योगपीठ परिवार जहाँ से प्रारंभ हुआ है उसका यह पवित्र परिसर है, दिव्य योग मंदिर का, कृपालु बाग आश्रम का। यहाँ पर शायद आप लोगों को, क्योंकि मैंने एक दो बार चर्चा भी की है, यहाँ पर यह जो भूमि है यह क्रांतिकारियों की शरणस्थली रही है। ये जो भवन दिख रहा है आपको लगभग ये 90 वर्ष पुराना है। जब रास बिहारी बोस ने असेंबली में बम फेंका था उसके बाद में आकर के 3 दिन तक उन्होंने ही शरण ली थी। यह इतिहास लिखित है, श्यामजी पाराशर एमए बहुत बड़े साहित्य के लेखक थे, उनकी पुस्तक है, यहाँ से भी छपी हुई है, वो संत दर्शन करके उसके अंदर वो पूरी घटना यहाँ पर है। तो जब रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी स्वामी कृपालु देव जी महाराज जी के सान्निध्य में रहते थे, तो भारत को आज़ाद करवाने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए यहाँ से एक अलख जगाया गया। इस भूमि में वह वातावरण, वह ऊर्जा यहाँ पर पहले से ही विद्यमान है और यहाँ पर विविध तरह की जो क्रांतिकारियाँ गतिविधि होती थी, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था। ये पीछे भी आप देखेंगे पूरा जंगल हुआ करता था 15-20 साल पहले भी, उधर उस साइड में देखेंगे पूरा ये जंगल होता था। इसके अतिरिक्त जो नहर है, एक छोटा सा नाला पहले हुआ करता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये बहुत सुनसान एरिया था। और इसमें भी, इस भवन में भी आप देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पर नीचे तहखाना है, अभी भी है। तो इस तरह से यह क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन का ये केंद्र रहा है।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बात को मैं इसलिए स्मरण दिला रहा हूँ क्योंकि उसी परंपरा को श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आज पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार आगे बढ़ा रहा है। राष्ट्रवाद के द्वारा राष्ट्र के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, इशू हैं, राष्ट्र को किस तरह से हम समृद्धशाली बना सकते हैं, गौरवशाली बना सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए जहाँ प्रयासरत हैं, वहीं आध्यात्म के द्वारा कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति को, ऊर्जा को, अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत हैं। तो यह आध्यात्मवाद के जागरण से, आत्म जागरण से राष्ट्र निर्माण का, संस्कृति निर्माण का यह अभियान है। तो यह हमारे वीरों का, शहीदों का, जो लाखों लाखों शहीदों ने, वीरों ने जो स्वप्न देखा, उसका यह स्वप्न को पूरा करने का अभियान है। इसीलिए हम सब का कर्तव्य है, हम सब का दायित्व है कि हम पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी ताकत के साथ में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, इस अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज़ादी के इन 7 दशकों में भी यदि हम देखते हैं कि जो होना चाहिए था राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, वो बहुत सारे काम बाकी हैं, कुछ काम हुए हैं। तो आप लोग जिस भी जिम्मेदारी पर हैं, जिस भी दायित्व पर हैं कि राष्ट्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, राष्ट्र का निर्माण हम सब का कार्य होता है, उस कार्य को हम कैसे कर सकते हैं, उस कार्य को इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो भी हमारे सामने जिम्मेदारी दी गई है, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी आपकी ड्यूटी है, यदि हम उसको सही ढंग से निभाते हैं तो समझ लेना कि आप राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि इस देश के अंदर लगभग 135 करोड़ लोग रहते हैं। यदि वो 135 करोड़ यदि प्रतिदिन 1 घंटा भी इस माँ भारती की आराधना के लिए, पूजा के लिए यदि लगाते हैं, यानी कि ईमानदारी से यदि सेवा कार्यों में अपने आप को, राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में अतिरिक्त समय प्रदान करते हैं, तो एक दिन के अंदर, चलो कुछ 35 करोड़ को समझ लो बच्चे हैं, तो भी 100 करोड़ घंटे हमको प्रतिदिन अतिरिक्त मिल सकता है। इसी तरह से जब संस्थान में आप सेवाएं दे रहे हो, अनेक गतिविधियों से आप लोग जुड़े हुए हो, काम कर रहे हो, यदि आप हर व्यक्ति सोचे मुझे अपना थोड़ा सा अतिरिक्त देना है, पारिश्रमिक तो आप काम करते हैं इसलिए दिया जाता है, आपके परिवार और आपके भरण पोषण के लिए ज़रूरी भी है, तो पर आप पारिश्रम के लिए काम तो कहीं भी कर सकते हो। ये हमेशा हम आपको एक बात याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि वेतन भोक्ता के रूप में या वेतन प्राप्तकर्ता के रूप में, कर्मचारी के रूप में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पतंजलि से ही आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। वो संभवतः दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, या बहुत सारे ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, कहीं पर भी आप काम कर करके वो भरण पोषण कर सकोगे। परंतु यहाँ पर जो कर सकोगे कि पतंजलि के माध्यम से, यहाँ किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है, ये किसी कॉरपोरेट की सेवा नहीं है, किसी इंडिविजुअल के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, आप श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप आचार्य बालकृष्ण के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप कहेंगे कि जी पतंजलि योगपीठ के लिए हम काम करते हैं, दिव्य योग मंदिर के लिए काम करते हैं। मैं कहता हूँ फिर दिव्य योग मंदिर किसके लिए काम करता है, पतंजलि योगपीठ किसके लिए काम करता है? तो आपको लगेगा कि वो योग के लिए काम करता है, आयुर्वेद के लिए काम करता है। और योग और आयुर्वेद का लाभ किसको मिलता है? योग और आयुर्वेद का लाभ जो है देश के लोगों को मिलता है। यानी हम जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आप काम करते हो उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या चाहिए? हमको कोई लाभ है? हमको कोई लाभ नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं। परंतु हमको लाभ है, लाभ इस रूप में है क्योंकि हमारे हृदय में, श्रद्धेय स्वामी जी के हृदय में, इस राष्ट्र निर्माण के लिए जो एक अग्नि है, एक ज्वाला है, एक अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मूर्त रूप देने का कार्य आप जैसे कर्मयोगी भाई बहनों के माध्यम से, आप सबके सहयोग से उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आपकी महती भूमिका है, आप लोगों की महती आवश्यकता है। आप लोगों को इसी भाव से समझना है कि आप सामान्य कर्मचारी नहीं हैं, आप साधारण काम करने वाले लोग नहीं हैं, आप लोग हैं इस राष्ट्र निर्माण की सिपाही हैं। एक हमारा सैनिक रात दिन सीमा पर खटता है, वो इसलिए खटता है कि माँ भारत की आराधना के लिए, सेवा के लिए वह देश को सुरक्षित कर सकें।
वह जगता है तो हम चैन से सोते हैं। इसी तरह से आप सिविलियन होते हुए भी, ठीक है आप सेना पर मोर्चे पर नहीं हैं, पर आपका कर्तव्य भी उस मोर्चे से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हम ये मानते हैं कि सैनिक सीमा पर खड़ा है तो कहीं हम उसको उसकी ड्यूटी से जोड़ते हैं, पर यहाँ ड्यूटी से न जुड़ते हुए भी ड्यूटी से जुड़ा हुआ कार्य निभाने का दायित्व आप सबका है। इसके लिए पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से, पूरी निष्ठा से आप पूरा काम में, अपनी जिम्मेदारियों में आगे बढ़ेंगे तो हम सच्चे अर्थों में माँ भारती की आराधना कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, इस राष्ट्र निर्माण के अभियान में हमारा योगदान होगा। क्योंकि समय तो बीत रहा है, समय तो कट रहा है, आप बहुत अच्छा करोगे तो भी कटेगा, नहीं करोगे तो भी कटेगा, परंतु अपने हृदय में वही व्यक्ति गौरव अनुभव कर सकता है जिसने अपना बड़ा योगदान दिया होता है। जब आप पूरे कर्तव्य भावना से अपने किसी भी दायित्व को अच्छी तरह से निभा रहे होते हैं, भाई काम तो आप सारे करते हैं, पर हम एक एक को जाकर के आपके मन में टटोल करके तो नहीं देखते हैं। एक आदमी सोचता है कि ये संस्था मेरी है, मुझे पूरी जी जान से काम करना है, वो पूरी ताकत से जुटा रहता है। दूसरा कहता है चलो मैं आया हूँ, मेरे को 8 घंटे 9 घंटे पूरे करने, चलो पूरा हो जाएगा, शाम को चला जाऊँगा। काम दोनों ही कर रहे हैं, लगभग एक ही तरह से कर रहे हैं, पर दोनों की भावनाओं में फ़र्क है। पर जो ये भावना से कर रहे हैं कि मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मेरी संस्था है, उसके अंदर देखोगे उसकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी, उसके हृदय में कहीं ना कहीं से एकदम वो बहुत ही हर्ष अनुभव कर रहा होगा। पर बाकी दूसरा जो है वो टाइम पास के हिसाब से काम कर रहा होगा। यानी कि जब हमारी भावनाएँ बदल जाती हैं, जब हमारी भावनाएँ पवित्र होती हैं, जब हमारी भावनाओं में कहीं किसी तरह का खोट नहीं होता है, तो उस समय पर हमारा जो मन है वह बहुत प्रसन्न होता है। उससे हमारी हृदय से लेकर के, मन से लेकर के हमारा सेहत भी ठीक रहता है। तो आप सब लोगों से, आप बहुत अच्छे भाई बहन हैं, सभी लोग पूरी निष्ठा से सेवा में जुटे हुए हैं, और क्योंकि यह जब भी हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो यहीं से यह सब कार्यक्रम शुरू होता है, क्योंकि पतंजलि का कार्यक्रम भी यहीं से शुरू हुआ है। आज से 26 वर्ष पूर्व, यूँ तो 28 वर्ष हो गए हमको यहाँ से सेवा कार्य करते हुए। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं गणतंत्र इस दिवस की, इस पावन अवसर की। संपूर्ण देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं गणतंत्र दिवस की, कि संपूर्ण देशवासियों के लिए भगवान से प्रार्थना है, और आप सब के लिए भी, आइए हम सब मिलकर के दिव्य भारत के लिए, भव्य भारत के निर्माण के लिए प्राणपण से अपने आप को आहूत करें, प्राणपण से अपनी शक्ति और ऊर्जा से काम करें। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, परमात्मा से बहुत आशीर्वाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मैं अनुरोध कर रहा हूँ वैदिक राष्ट्रगीत के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में
पतंजलि योगपीठ की 25 वर्ष की यात्रा में हमने विभिन्न आयाम को छुआ है और विभिन्न फ्रंट्स पर, डिफरेंट फ्रंट्स पर, चाहे वो स्वदेशी का फ्रंट हो, चाहे आयुर्वेद का फ्रंट हो, चाहे योग का फ्रंट हो, रिसर्च का फ्रंट हो, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने नए नए आयाम कायम किए हैं। इस अवसर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक संक्षिप्त भाषण के लिए, विषय है गणतंत्र दिवस, श्री विनय यादव जी को, जो पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र हैं। श्री विनय जी। मैं अपनी कर्मनिष्ठा से भारतीय संस्कृति को गौरव दिलाने के लिए प्रतिबद्ध, जिन्होंने अपने अहर्निश अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की अवधारणा को एक नई दिशा दी है, ऐसे परम श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य जी के चरणों को मैं नमन करता हूँ। आज इस गणतंत्र दिवस पर मेरे सामने आकार लेता नवयुवा भारत और देश के छलनी जिगर को मरम लगाने वाले एकमात्र युवा भारत और इस कर्मठ योगी, इस देश के लिए अहर्निश बलिदान देने वाले हम सभी भाई बहनों को और उन क्रांतिकारियों को भी नमन करते हैं। आज भारत अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इन आज़ादी के विभिन्न वर्षों में भारत ने बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन सन 1857 की क्रांति में दुश्मन के सीने में पहली गोली दागते हुए जिस मंगल पांडे ने आज़ादी का शंखनाद किया, वह आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को जाकर के प्राप्त हुई, लेकिन वह पूर्ण आज़ादी नहीं थी। अब भी देश तमाम तरीके के सांप्रदायिक उन्माद से गुजर रहा था। देश की भाषा की विभिन्न विविधताएं थीं, उन विविधताओं को एक करते हुए भारत ने 7 लाख से ज़्यादा वीर शहीदों और वीर वीरांगनाओं की कुर्बानी देने के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत का संविधान है जिसको आज पूरी दुनिया ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में देखा है। हम सिर्फ महज संविधान की उन रूप रेखाओं को सीमित न करें, बल्कि हम इस राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, हम इस राष्ट्र के लिए क्या अर्पित कर सकते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने